हेलो फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दो तीन नियम को क्लियर किया था और उस पर हम लोगों ने तीन चार क्वेश्चन को किया था। तो हम लोग तीन वीडियो से IUPAC नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं। किस ग्रुप का? IUPAC नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप का। इस पर तीन वीडियो बन गया है, नई देखे हैं तो लेक्चर नंबर 9, 10, 11 जाकर देख लीजिए, इसी पे है। तो आइए हम लोग इस पे और चर्चा करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक नियम जाना था कि यदि समान लेंथ का चैन प्राप्त हो रहा हो तो हम लोग उस चैन का चुनाव करते हैं जिसमें साइड चैन की संख्या ज़्यादा हो, जिसमें साइड चैन की संख्या ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने इस पर तीन चार क्वेश्चन को किया था। आइए हम लोग कुछ और नियम को जानते हैं और हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ओके? तो आप लोगों का 100% कंसंट्रेट इस बोर्ड पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इस बोर्ड पे, ओके? तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, जो JEE मेंस नीट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ताकि वो अपने स्टडी को पूरा करें। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यदि कार्बन के चेन में कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ा हो तो उसके IUPAC नेम का प्रयोग किया जाता है, ओके? तथा उसके पोजीशन के साथ स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, ओके? ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, UTC प्रीफिक्स जुड़ा हो तो उसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर नहीं करते हैं, ओके? तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लीजिए, हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ओके? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, हट जा रहा हूँ, ओके? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को 2 मिनट 4 मिनट देखकर नहीं भागिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो आप लोग किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे, ओके? तो मान लीजिए आप लोग को एक क्वेश्चन दे दिया, ओके? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस कार्बन को सूचित कर देते हैं जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। यही वो कार्बन है जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। उसके बाद वहीं से हम लोग कार्बन के लंबा चैन का चुनाव करते हैं। यहाँ से क्या किया मैंने, कार्बन का लंबा चैन का चुनाव कर दिया। उसके बाद जो हम लोगों ने कार्बन का लंबा चैन का चुनाव किया था उसकी गिनती कर लेते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन। उसके बाद कोई ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि एक बड़ा सा ग्रुप जुटा है जिसका कॉमन नेम हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ कर आए हैं। कौन सा ग्रुप है ये बाबू? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज करते हैं, अल्काइल ग्रुप है तो उसका सफिक्स होता है YL और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम ये, एक इसका IUPAC नेम भी होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस छोटे से ग्रुप को हम लोग यहाँ पर उठाकर अलग जगह रख देते हैं और उसका IUPAC नेम हम लोग लिखते हैं। तो मान लीजिए यही ना ग्रुप है ये, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो सबसे पहले हम उस कार्बन को स्विच कर देते हैं जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हाइड्रोजन रिमूव है, तो यहीं से हम लोग कार्बन का लंबा चैन का चुनाव करेंगे। 1 कार्बन 2 1 कार्बन 2 1 कार्बन 2 तो हम लोग देख रहे हैं कि समान लेंथ का चैन प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग किसी भी चैन का चुनाव कर सकते हैं। तो ये रहा लंबा चैन। हम लोग देख रहे हैं कि 1 नंबर पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, कितना पे? 1 नंबर पोजीशन पर। तो हो जाएगा इसका नाम 1-1, 2 बार है तो डाई। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो हम लोग क्या लिख देंगे, मिथाइल। 1-1, 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 2-1, 1-1, 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
एथ, उसमें क्या जोड़ देंगे वाई एल। तो ये इसका आई यू पी एस सी नेम हो गया इतना का।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रुप या सब स्टूडेंट जुड़ा हो तो उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। तो इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। एक तो इसका कॉमन नेम ये हो गया, इसका IUPAC नेम ये हो गया। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यदि कम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ा हो तो उसके IUPAC नेम का प्रयोग किया जाता है, तथा उसके पोजीशन के साथ स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो IUPAC नेम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और कॉमन नेम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इसका IUPAC नेम लिखा जाए। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 1-1-dimethylpropyl। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, कितना नंबर पोजीशन पे है, 3 नंबर पोजीशन पे है। तो 3 नंबर पोजीशन पे हम लोग ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 1-1- क्या है, डाई मिथाइल, क्या है, डाई मिथाइल इथाइल। ओके, उसके बाद ये कितना कार्बन है, जिसमें हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव किए हैं, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स, और उसमें क्या जोड़ देंगे, YL। क्या हो जाएगा, 3 पे 1-1-dimethylethylhexyl। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इतना का जगह पे आप कॉमन नेम इसका लिख सकते हैं, क्या है, टर्शियरी, कितना पे है, 3 पे है। तो क्या हो जाएगा, 3-tertiary butyl, क्या हो जाएगा, 3-tertiary butyl। कितना कार्बन है, 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स, उसमें क्या जोड़ देंगे, YL, बिकॉज यह अल्काइल ग्रुप है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हाइड्रोजन रिमूव है, तो इस कार्बन को हम लोग सूचित कर दिया, और यहीं से हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे, जो आप लोगों को ये दिख रहा है, क्या है, दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन को कार्बन को बढ़ा दिया जाए। ओके, ये लंबा चेन हो रहा था, इसमें और कार्बन को बढ़ा दिए, ये हो गया, ठीक है। हम लोग उस कार्बन को सेलेक्ट कर लिए, उस लंबा चेन को सेलेक्ट कर लिए जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव था। उसके बाद उसकी गिनती कर लेंगे, 1-2-3-4-5-6-7-8। ओके, चुनाव कर लिए। उसके बाद जो ग्रुप उसमें जुटा है उसका नाम हम लोग पहले लिख देते हैं, बाद में जो पेरेंट चेन का हम लोग चुनाव किए हैं उसका नाम हम लोग बाद में सफिक्स के साथ लिख देते थे। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो गया। यही बताया था मैं कि इसका IUPAC नेम का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग तो कॉमन नेम जानते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, नियोपेंटाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, नियोपेंटाइल। कौन सा ग्रुप है, नियोपेंटाइल। इसका IUPAC नेम हम लिखेंगे, तो ये तो 1-2-3 लिख लिया, हम लिखेंगे 1-2-3-। यही कार्बन का लंबा चेन हुआ, ठीक है। 2 पे क्या है, 2-2- क्या है, डाई मिथाइल, क्या है, डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, 1-2-3-propyl। चलो भाई, इतना को तो लिख लिया। ये क्या है, इथाइल है, जानते हैं। ये कितना पे था, 1-1-2-3-4-5 पे क्या था, 2-2- डाई मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 नंबर पे क्या है, इथाइल। हम लोग देख रहे थे कि ये नियोपेंटाइल ग्रुप है जिसका IUPAC नेम हो गया 2-2-dimethylpropyl। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मिथाइल M से शुरू हुआ है, ये E से शुरू हुआ है, तो M बाद में आता है, E पहले आता है। लेकिन आप लोग एक नियम लिखाया गया था कॉम्प्लेक्स ग्रुप में, डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं। तो चूंकि यह कॉम्प्लेक्स ग्रुप था,
इसीलिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा इटीसी को इग्नोर नहीं किए हैं। तो डी पहले आता है ई से, इसीलिए मैं डी इसको पहले लिखा हूँ, क्योंकि डी पहले आता है ए बी सी डी में, डी पहले आता है फिर ई आता है। तो इसका नाम हो जाएगा 5P2-2' डाइमिथाइल प्रोपाइल और 2P है इथाइल। और कितना कार्बन है? 8 कार्बन। 8 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्टोस में क्या जोड़ देंगे? YL। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आप लोग इतना के जगह पर कॉमन नेम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक इट। तो ये कौन सा ग्रुप है? नियो पेंटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? नियो पेंटाइल। कितना पे? 2-ethyl, नियो पेंटाइल 2-ethyl ऑक्टाइल। क्या हो जाएगा? ऑक्टाइल। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। तो ले लीजिए हट जा रहे हैं, ले लीजिए। आइए हम लोग इस पे कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। उसके बाद हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव करेंगे जो आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग उसकी गिनती कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो इसका IUPAC नेम हम लोग पहले लिख लें। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम? 1-2-. तो क्या हो जाएगा? 1-1-, 2-methylate। और डाई कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिख देंगे हम लोग? मिथाइल। कितना कार्बन है? 1, 2। तो एथ में क्या जोड़ देंगे हम लोग? YL, बिकॉज यह अल्काइल ग्रुप है। तो इतना का तो IUPAC नेम ये हो गया। या इसके जगह पे आप लोग टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लिख देंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ओके, ये क्या है? मिथाइल है। तो ये शुरू होगा एम से, ये शुरू होगा मिथाइल किससे? डाइस डी से। क्यों? क्योंकि आप लोग बताया गया था नॉर्मली कोई ग्रुप होगा तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर दिया जाता है। डाई ट्राई टेट्रास सेकेंडरी टर्शियरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन आइसोनियोसाइक्लो को नहीं, वो अलग केस था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप के नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा इटीसी आए तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर नहीं किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? कॉम्प्लेक्स ग्रुप था। तो इसमें डाई आया है तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ये डी से शुरू हुआ, ये एम से शुरू हुआ। तो डी और एम में कौन पहले आता है? डी पहले आता है। तो हम लोग इसका नाम पहले लिखेंगे, फिर हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। 1P क्या है? ब्रैकेट में लिख देंगे, इसका IUPAC नेम का प्रयोग करेंगे, 1-1-dimethyl 1-1-dimethyl ethyl। डाईमिथाइल इथाइल लिखकर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ओके, उसके बाद कौन सा ग्रुप है? 3P मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन है हम लोग इसमें देख रहे हैं? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। उसमें क्या जोड़ देंगे? YL। आप लोग इतना के जगह पर टर्शियरी ब्यूटाइल लिख देंगे। कितना पे टर्शियरी ब्यूटाइल? 1P। 1 टर्शियरी ब्यूटाइल 3-methyl 3-methyl पेंटाइल। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये IUPAC में ये भी सही है और ये भी सही है। एज यू लाइक इट, जो आपकी मर्जी। आप लोग एग्जाम में कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। उसके बाद हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे और उसकी गिनती कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। देख रहे हैं आप, उसमें 2-methyl ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसको हम लोग जानते ही नहीं, इसका कॉमन नेम होता ही नहीं है। तो इसका हम लोग IUPAC नेम का प्रयोग करेंगे। कौन से नेम का? IUPAC नेम का। क्या है? 2 तो मिथाइल है और एक ये ग्रुप जुटा है, कौन सा? ये। इसका IUPAC नेम का हम लोग प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं कि 1, 2, 3, ये 1-2-3-, ये कार्बन का लंबा चेन हो गया। इसको हम लोग बाहर उठा लिए, समझिए कि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, सपोज कीजिए। तो हम लोग इसका नाम पहले लिख लेते हैं। तो क्या है? 1- पे क्या है? मिथाइल है। 1- मिथाइल
तीन कार्बन है तो प्रोप और उसमें वाई एल जोड़ देंगे बिकॉज ये अल्काइल ग्रुप है। ओके, ये कितना पे था? एक पे था, एक पे लिख दिया। ओके, और ये क्या है? दो कामा थ्री क्या है? दो कामा थ्री डाई मिथाइल क्या है? डाई मिथाइल। कितना कार्बन है? पांच कार्बन। पांच कार्बन को क्या यूज करते हैं? पेंट। उसमें क्या जोड़ देंगे? वाई एल। चलिए इसका भी तो लिख लिया नाम, इसका भी लिख लिया नाम। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें कि अल्फाबेटिकल में कौन पहले आता है। तो एम पहले आता है कि डी पहले आता है? आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, डी पहले आता है। तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे, किसको पहले लिखेंगे? सॉरी, ये एम से शुरू हुआ है और ये भी एम से शुरू हुआ है। ये नॉर्मल सा ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप, तो इसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर देते हैं। डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी टर्शियरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन आइसो नियो साइक्लो को नहीं। ये नॉर्मल ग्रुप था तो इसकी शुरुआत हम लोग इतना को तो इग्नोर कर दिए, एम से शुरू हुआ है। इसका भी शुरुआत एम से शुरू हुआ है तो इसको पहले लिखेंगे क्योंकि इसकी पोजिशन पहले है। ओके, कितना पे? एक पे है तो एक पे हम लोग लिख देंगे वन डैश मिथाइल। वन पे क्या था? वन डैश मिथाइल प्रोपाइल, वन डैश मिथाइल प्रोपाइल। फिर देख रहे हैं हम लोग टू कामा थ्री पे डाई मिथाइल, टू कामा थ्री डाई मिथाइल, और पांच कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट और उसमें जोड़ देंगे वाई एल बिकॉज ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए हम लोग इस पर कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है। चलो भाई इसको कर लिया। उसके बाद हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे जो ये रहा आप लोगों के सामने। उसके बाद उसके गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गजब। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो ग्रुप जो है, एक तो इथाइल है, एक का तो आता पता ही नहीं है कौन सा ग्रुप है। तो हम लोग इसको अलग हटाकर इसका आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे। तो हम लोग अभी से शुरुआत करते हैं वन डैश टू डैश थ्री डैश, या फिर थ्री डैश यहाँ पे आता, एक दो तीन, एक दो तीन, यही लंबा चेन हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि वन पे वन डैश पे, फिर टू डैश पे मिथाइल है। कौन सा मिथाइल है? मिथाइल है। तो हम लोग दो बार है तो लिखेंगे डाई, आप कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, तो लिख देंगे मिथाइल। और देख रहे हैं कि हम लोग तीन कार्बन को, तीन कार्बन का लंबा चेन लिए हैं, तो तीन कार्बन का हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोप। उसमें क्या जोड़ देंगे? वाई एल। चलो इतना का नाम तो ये हो गया, ये इथाइल ग्रुप हम लोग जानते हैं। तो ये ई से शुरू होता है और ये डी से शुरू हुआ है। यहाँ पे हम लोग डाई को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये कम्प्लेक्स ग्रुप था जिसका कोई आता ही पता ना था, ये कम्प्लेक्स ग्रुप था। यहीं पे मिथाइल रहा था, डाई मिथाइल लिखते तो वहाँ पे डाई के हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मिथाइल एम समझते हैं हम लोग कि एम से शुरुआत किए हैं। तो ये कितना पे है? चार पे है। ये कितना पे है? छः पे है। तो हम लोग इसको पल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चार पे, चार पे इसका नाम हो गया। उसके बाद कितना पे है? छः पे है। लिखेंगे हम लोग छः मिथाइल, इथाइल है ना, इथाइल, छः इथाइल। कितना कार्बन है? दस। दस कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? डेक। उसमें हम लोग जोड़ देंगे वाई एल। क्या हो जाएगा? चार पे वन डैश कमा टू डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, छः इथाइल डेसाइल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और नियम को जानते हैं और उस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, नोट में एक महत्वपूर्ण बात लिख लीजिए, यदि इम्पोर्टेंट, सारे नियम वैसे इम्पोर्टेंट है सारे नियम, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि यदि कंप्लेक्स ग्रुप की संख्या, यदि कंप्लेक्स ग्रुप की संख्या दो या दो से अधिक हो तो निम्न प्रीफिक्स, निम्न प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, निम्न प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है।
यदि दो रहेगा तो हम लोग इसको लिखते हैं 20, ओके। तीन रहेगा तो उसको हम लिखते हैं 30, ओके। चार रहेगा तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं टेट्राकिस। पांच रहेगा यदि कॉम्प्लेक्स ग्रुप की संख्या तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेंटाकिस। क्या? पेंटाकिस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। यदि इसमें डाल लिया जाए यदि दो रहेगा तो क्या यूज करेंगे 20, तीन रहेगा तो 30, चार रहेगा तो टेट्राकिस, पांच रहेगा तो पेंटाकिस। यदि नॉर्मल कोई ग्रुप रहता मिथाइल थाइल प्रोपाइल तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इस पर दबंग थ्योरी के साथ दो तीन क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप लोगों को दबंग थ्योरी के साथ यह क्वेश्चन दे दिया, तो हम लोगों को दबंग थ्योरी के साथ इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ओके। चलो भाई इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, ओके ओके ओके। सबसे पहले हम लोग उस कार्बन को सूचित कर देंगे जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है, उसके बाद हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव करेंगे। चलो भाई ये रहा, उसके बाद उस चेन को हम सेलेक्ट किए हैं उसकी गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देख रहे हैं कि दो अजीब सा ग्रुप लगा है जिसका कोई पता ही नहीं है, तो हम लोग इसका IUPAC नेम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों एक ही जैसा है, तो एक का लिख लेंगे तो दोनों हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1-2-3-1। 1- पे क्या है? 1- मिथाइल। क्या है? 1- मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोप में क्या जोड़ देंगे? YL। तो 1- मिथाइल प्रोपाइल, तो इसका भी नाम यही होगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक तो दो पे है और एक कितना पे है? चार पे है। तो दो पर है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? 20। ऐसा ग्रुप तीन बार रहता है तो किसका प्रयोग करते? 30। चार बार रहता तो टेट्रा किसका प्रयोग करते हैं, लेकिन दो बार है तो हम लोग 20 का प्रयोग करेंगे। तो कितना पे है? 2,4। उसके बाद हम लिखेंगे 20, उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे जो इसका नाम है। कितना पे है? 1- मिथाइल प्रोपाइल। कितना कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखकर उसमें क्या जोड़ देंगे? YL। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए इस पर कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक ही जैसा ग्रुप दो बार है, एक ही जैसा ग्रुप दो बार है, तो इसके हम लोग IUPAC नेम का प्रयोग करेंगे। उस कार्बन को सूचित कर दिए और वहीं से हम लोग कार्बन का लंबा चेन ले लिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये भी कर लिए। उसके बाद इसका IUPAC नेम लिखेंगे। एक कितना पे है? एक पहला पोजिशन कितना पे? एक पे। दूसरा पोजिशन चार पे है। इसका IUPAC नेम लिख लिया जाए 1-2-3-, ये गलत हो रहा है, 2-3-4-, यही कार्बन का लंबा चेन था। तो कितना पे है? 2- क्या है? मिथाइल है, 2- मिथाइल
ब्यूट वाई एल जोड़ देंगे, क्योंकि चार कार्बन था और ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी इसी का नाम है, ये भी इसी का नाम, एक ही जैसा ग्रुप है। कितना पे है? एक तो एक पे है, ओके। दूसरा कितना पे है? फोर पे है। तो वन कामा फोर दो बार है, तो क्या यूज करेंगे? बीस। क्या यूज करेंगे? बीस। और इसका यूपीएससी नेम लिख देंगे, टू डैश मिथाइल। कितना कार्बन था? चार। तो ब्यू टाइल ब्रैकेट वन, कितना कार्बन है? सात कार्बन। तो हेप्ट में क्या जोड़ देंगे? वाई एल। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और क्वेश्चन को करेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं दबंग थ्योरी के साथ। ये उस कार्बन को सूचित कर दें जैसा हाइड्रोजन रिमूव है, इसी से यहीं से हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव करेंगे। वन टू थ्री, किसी का भी कर सकते हैं। मैंने ये सीधा जो था उसी को ले लिया। हम लोग देख रहे हैं कि दो मिथाइल ग्रुप और दो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका हम आयुपैक नेम का प्रयोग करेंगे। कॉमन नेम तो जानते ही हैं, इस दोनों का टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो हम लोग इसका कॉमन नेम जानते हैं, तो इसका आयुपीएससी नेम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया वन डैश, ये हो गया टू डैश। तो वन डैश, क्योंकि दो बार मिथाइल ग्रुप है इसी पे, क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। इसका यूपीएससी नेम ये हो गया, इसका भी यूपीएससी नेम हो गया, इतना को लिख लिया, इतना को जानते हैं कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो हमने अभी अभी आप लोग बताया, यदि कॉम्प्लेक्स ग्रुप की संख्या दो से ज़्यादा हो, दो हो, तो उसके लिए बीस का प्रयोग करते हैं, तीन हो तो ट्रिस का प्रयोग करते हैं, चार हो तो टेट्रा किस का प्रयोग करते हैं, पाँच हो तो पेंटा किस का प्रयोग करते हैं। तो दो है तो हम लोग इसके पोजिशन को दो बार बीस के सहारे लिखेंगे। तो कितना पे है? वन टू थ्री। तो वन पे क्या है? वन कमा वन दो बार है तो बीस, और इतना को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। चलो भाई, इतना का तो नाम हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि दो पे टू कमा टू दो बार मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल। कितना कार्बन है? चार। चार कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? वाई एल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो ये सारी बात, ये सारे नियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाया करती हैं। इसका ऐसे भी नाम हो सकता है, इतना का जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा? वन कमा वन बीस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। क्या हो जाएगा? वन कमा वन बीस टर्शियरी ब्यूटाइल, वो उसके बाद टू कमा टू डाई मिथाइल प्रो पाइल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लीजिए। देखिए छात्रों, हम लोग आईयूपीएससी ने वहाँ पर अल्काइल ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं, इसे अच्छे लेवल से पढ़ना ये बहुत ही जरूरी होता है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो अच्छे लेवल से पढ़िए, नहीं तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, कौन से थ्योरी के साथ? दबंग थ्योरी के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हाइड्रोजन रिमूव होता है, यहीं से हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव करेंगे। हम लोग सारे नियम को मिलाकर कुछ क्वेश्चन को लाए हैं आपके सामने, इसी को करना है। तो ये यहीं से हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव करेंगे, वन टू थ्री फोर। तो यही हम लोग का कार्बन का लंबा चेन हो रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं वन टू थ्री फोर, वन पे क्या है? मिथाइल है तो वन, टू पे क्या है? मिथाइल है तो टू, दो बार है तो डाई, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल, चार है तो ब्यूट, और अल्काइल ग्रुप है तो वाई एल। क्या हो जाएगा? वाई एल। तो वन का मटू डाई मिथाइल ब्यूटाइल, इसका करेक्ट नेम हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हाइड्रोजन रिमूव है, तो यहीं से हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव करेंगे, वन टू थ्री फोर। तो हम लोग किसी भी चेन का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि समान लेंथ का चेन प्राप्त हो रहा है। ओके, वन टू थ्री फोर, टू पे क्या है? इथाइल है तो टू इथाइल टू इथाइल टू
इथाइल चार है तो ब्यूट, उसमें क्या जोड़ देंगे वाई एल, बिकॉज या कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ये क्वेश्चन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है, इस कार्बन को हम लोग सूचित कर दिए। चलो भाई यहीं से हम लोग कार्बन का लंबा चैन का चुनाव करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हाँ यही है कार्बन का लंबा चैन, यही है हम लोग का कार्बन का लंबा चैन, 1 2 3 4 5। टू पे क्या है, इथाइल है, तो 2 इथाइल 2 इथाइल। कितना कार्बन है, 5 5 कार्बन कैच करते हैं हम लोग पेंट, उसमें क्या जोड़ देंगे वाई एल, तो ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। यहीं से हाइड्रोजन रिमूव है तो 1 2 1 2 1 2 3 4, यस डैट इज करेक्ट। तो 1 2 3 4, 1 पे क्या है मिथाइल है, फिर 1 पे क्या है मिथाइल है, तो 1 1 डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल। चार कार्बन है तो ब्यूट, उसमें क्या जोड़ देंगे वाई एल, बिकॉज यह अल्काइल ग्रुप है। ओके लास्ट क्वेश्चन, हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हाइड्रोजन रिमूव है, यहाँ छूट गया था, यहीं से हाइड्रोजन सॉरी ये करेक्ट था, हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हाइड्रोजन रिमूव है, यहीं से हम लोग कार्बन के लंबा चैन का चुनाव करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। हाँ यही कार्बन का लंबा चैन है, कौन है, यही कार्बन का लंबा चैन है, यही कार्बन का लंबा चैन है, 1 2 3 4 5 6 7। गुड, हम लोग देख रहे हैं कि 1 पे मिथाइल है, हम लोग देख रहे हैं कि 4 पे इथाइल और मिथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल में हम किसको पर लिखते हैं, ई को, इथाइल को सॉरी, क्योंकि वो ई से शुरू होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 इथाइल 4 इथाइल। फिर देख रहे हैं हम लोग कि 1 पे और 4 पे क्या है मिथाइल है, तो 1 4 डाई मिथाइल 1 4 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन का हम क्या यूज करते हैं हेप्ट, और उसमें क्या जोड़ देंगे वाई एल, तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल 1 4 डाई मिथाइल हेप्टाइल। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये मेरी गारंटी है, यदि आप लेक्चर नंबर 9 10 और 11 देखे होंगे तब समझ में आ रहा होगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को रेगुलर, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि लगातार देखते रहेंगे एकदम लाइन से, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे, और वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर करें जिनकी माली हालत अच्छे नहीं है, ताकि वह अपनी स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर सके। थैंक यू।